जब विश्व के दो महान लोकतंत्र के मुखिया एक दूसरे से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में रूबरू हो रहे थे, तब उसी देश की राजधानी दिल्ली में भीड़ तंत्र लोकतंत्र का मजाक बना रही थी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पहले तो कपिल मिश्रा का ये बयान सुनिए जो कल ही शाम आया था। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा दीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। भाई जो टायर मार्केट है ना पीछे दुर्गा, क्या नाम है तुम्हारा, इसके सामने अम्बेडकर कॉलेज के पीछे, इसमें जो है आग लगा दी गई है पूरी मार्केट के अंदर, सारी दुकान है टोटल, सब दुकानों के अंदर आग लगा दी है। बहुत भयंकर आग है भाई। सब जो अपने टायर मार्केट है, पुराना सामान जहाँ मिलता है वहाँ की बात है, ये पुराना सामान जहाँ मिलता है वहाँ की वारदात है, पूरी तरह आग लगा दी गई है इसके अंदर, पूरी तरह उसको मार्केट को पूरा जला दिया गया, सारी दुकानों में आग लग गई, टोटल एक भी दुकान नहीं बचेगी भाई इस बार। मुसलमानों की दुकानें हैं सारी की सारी, दिल्ली छह वाले लोग हैं ज्यादातर। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला दृश्य आपके सामने है। दिल्ली जलने लगी और भजनपुरा, जफराबाद और कई अन्य इलाके में आगजनी कर दी गई और दिल्ली इस तरह से आग के हवाले कर दी गई। टीयर गैस छोड़ते हुए पुलिस इनके साथ में टीयर गैस छोड़ रही है, देखिए देखिए इनकी गुंडागर्दी, ये पुलिस के साथ में आरएसएस के गुंडे, ये देखिए आरएसएस के गुंडे, ये देखिए ये पुलिस के साथ में, ये देखिए पुलिस के साथ में आरएसएस के गुंडे। आरोप दोनों तरफ लग रहे हैं, कहीं सीएए के समर्थक सड़क जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसा रही है, तो कहीं सीएए का विरोध करने वाले आगजनी कर रहे हैं। माहौल बेहद खराब है और सबसे अचंभित और हैरान कर देने वाला रोल दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस खुद पत्थर चलाते हुए भीड़ के साथ कई जगह कैमरे में कैद हुई है। वैसे दिल्ली पुलिस किसके अंदर है और किसके साथ खड़ी है ये कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल है और केजरीवाल दंगा रोकने के लिए अपनी शक्तिहीनता का हवाला देते हुए ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। वैसे शांति बहाल करवाने का ये उनका एक तरीका कुछ ज्यादा ही शांतिपूर्ण है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी शीला दीक्षित को उनके सियासी कमजोरियों पर कोसते हुए बाज नहीं आते थे। अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं और कई मौतें हुई हैं। हेड कांस्टेबल रतनलाल की गोली लगने से मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि चाहे सहमति हो या असहमति, क्या भीड़ तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत? क्या उपद्रवियों का झुंड तय करेगा कि किसे क्या करना है क्या नहीं? सियासी दावों पे कपिल मिश्रा तो मोहरा है। अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों को वाले बयान के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था जब जामिया में एक युवक ने घुसकर गोली चला दी थी। फिर कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान को कैसे नकारा जा सकता है? कैसे ये माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था को देश में अब एक खास विचारधारा के लोग ही तय नहीं करते? कैसे?